शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दिस वीडियो आई एम गोना कवर अप समथिंग जो मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं कि भाई हक्स वर्ना विटपलन का माइलेज कैसा है, सीट हाइट के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाने बोल रहे हैं। सो ड्यू टू लॉकडाउन मैं बाइक लेके निकल तो नहीं पाया, बट आई थॉट ऑफ के लेट्स एक्सप्लेन यू ऑल कि हाइट का क्या प्रॉब्लम होता है एंड द माइलेज ऑफ द बाइक। ओके, सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम गोना शो यू सम सिनेमैटिक शॉट्स, सो शॉट्स को एंजॉय करें उसके बाद फिर वापस आए। ओके, ओके गाइज वी आर बैक। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बाइक का परफॉर्मेंस वेरी गुड, बाइक बहुत ही अच्छा है एंड मैं विटपलन के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज आई ओन अ विटपलन एंड बाइक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। माइलेज अराउंड 30 तक आपको दे देगा, सिटी में आपको 30 अराउंड दे देगा। हाईवे में मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, व्हेन एवर आई विल गेट अ चांस टू गो टू हाईवे आई एम गोना शो यू ऑल एंड टेल यू ऑल कि हाईवे में कैसा परफॉर्म करता है बाइक। एंड सो माइलेज डिपेंड भी करता है कि आप कैसे चलाते हो, ट्रॉटल कितना देते हो, कितना रुकते हो एंड कैसा आपका रोड कंडीशन है। सो माइलेज इज डिपेंड ऑन दैट, बट अप्रॉक्स आपको 30 तक माइलेज मिल जाएगा बिकॉज कंपनी क्लेम करती है अराउंड समथिंग 32 समथिंग कुछ ऐसा, बट कंपनी जो क्लेम करती है वो मिलता है नहीं बिकॉज दे टेस्ट देयर बाइक ऑन द ट्रैक्स। ओके, सो आपको 30 के अंदर माइलेज मिल जाएगा। एंड ओके द हाइट प्रॉब्लम, सो मैं बताना चाहता हूँ एज इट इज़ अ कैफे रेसर बाइक, विटपलन 250 कैफे रेसर है एंड स्वाटपलन 250 इट्स अ होल डिफरेंट बाइक। ठीक है, तो विटपलन 250 में क्या होगा, एज इट इज़ अ कैफे रेसर बाइक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जो लोग लाइक 5'7" to 5'8" के अंदर पढ़ते हैं, 5'7" जो लोग लाइक 5'7" to 5'10 के अंदर पढ़ते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ द एवरेज हाइट, कैफे रेसर आराम से चला सकते हैं ये लोग। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, बट जो लोग 5'7" के नीचे आते हैं लाइक 5'6" या 5'5" उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाइक का हाइट बहुत ज़्यादा है, आपको फिर ग्राउंड तक पैर नहीं पहुँचेगा आपका, या फिर ग्राउंड तक पैर नहीं पहुँचेगा तो बाइक डिस्बैलेंस होने का चांसेस बहुत है। एंड 5'10" के अबव जो लोग हैं उन लोगों को एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो लोग, और एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वो लोग, वो है जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाओगे आपके बैक दुखने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस, बैक दुखने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, सो आपको बैक इश्यूज हो सकता है। बस हाइट की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ओन अ बाइक लाइक दिस। एंड हाँ, पीडियन सीट बहुत कंफर्टेबल है बिकॉज ये स्टेप अप सीट नहीं है, ये पूरा फ्लैट सीट है। सो पीडियन लॉन्ग राइड में भी जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से वो लोग बैठ सकते हैं आराम से। सो गाइज दिस इज सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, जो लोग न्यू हो सब्सक्राइब करो एंड जो लोग मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो उन लोगों के लिए ये वीडियो है बिकॉज वो लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे। होप यू ऑल गाइस लाइक द इन्फॉर्मेशंस एंड और भी इन्फॉर्मेशंस मैं दूंगा आपको इन कमिंग डेज। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक दबा देना। एंड आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू कवर दैट अप ऑन माय अपकमिंग यूट्यूब वीडियोस। ओके गाइस, ता-दा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस पैंडेमिक सेशन। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।